हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जियो ज़िंदगी विद नेहा आकाश। और आज हम लोग हैं रणथंबोर में। रणथंबोर में हम लोग कल आए थे रात में, आते आते बहुत टाइम लग गया, रास्ता दूसरा चेंज कर लिया था गलती से। तो रात में करीब 1 बजे पहुँचे हम और अभी यहाँ पर रुके हम लोग होटल विनायक RTDC। और यहाँ से करीब 9 बजे मॉर्निंग में हम लोग गणेश जी के लिए जा रहे हैं। यहाँ से बड़ा अच्छा सा रास्ता है। हम लोग आज, हमारे साथ कौन कौन है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आ गई हमारी कार और अभी आपको सबसे मिलाते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, 7-8 और ये हमारे साथ पीयूष जी, जिनको आप लोग पहले से पहचानते हैं। ये टीडू भैया है, राकेश जी, और ये अज्जू भैया है। और हम लोग एक साथ काम करते थे पहले ज्वेलरी का, और अभी हम लोग साथ में घूमने आए हैं आज रणथंबोर। अब आपको रणथंबोर के दर्शन कराते हैं और रास्ता दिखाते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए, हेलीपैड है यहाँ का और यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं अंदर, और बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं। अगर आपको एक अच्छे होटल की तलाश है राजस्थान में और आप एक अच्छा वीकेंड स्पेंड करना चाहते हैं तो आप रणथंबोर आ सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। और अभी हम लोग ने एंटर कर लिया है रणथंबोर नेशनल पार्क में। जयपुर से आपको रणथंबोर पड़ता है करीब 175-180 किलोमीटर। कहाँ होते हुए आते हैं भैया? लालसोट बिलोना होते हुए आते हैं। यहाँ का चेक पोस्ट आता है। कह रहा जो चंद्र डालगी हां जगह जगह है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार जब हम आए थे पीछे एक नाला है वहां पर एक बाघ क्रॉस करके गया था। अजू भैया आप भी आए थे? एक घंटे तक हम साइटिंग करते रहे। हां वो बैठ गया था मेन रोड पे ही, मेन रोड पे आके बैठ गया। उस समय हम नहीं आए थे क्योंकि एक टाइम पे एक ही बाघ दिखता है। मार्क दिखता है तो ट्रिप समझो धन्य हो जाती है, सक्सेस, एक मारा सक्सेस हो जाता है यहाँ पे। तो आपने समझा, यहाँ पर भी वही क्यूरियोसिटी रहती है सबके बीच में। जब भी जंगल में आए तो रास्ते में टाइगर दिखते हैं, जैसे हमको सिरिस्का में लेपर्ड दिखा था मेन रोड पे। लेकिन वो जंगल कुछ और है, ये कुछ और है, इसकी अपनी अलग पहचान है। देखो ये कितना घना है। एक आदमी तो कुछ बोल ही नहीं रहा, इसको तो भूल ही गए ड्राइवर साहब। मैं ड्राइविंग पे कंसंट्रेशन करता हूं। हां यहां पे ड्राइव करना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है। यहां पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते हो पों पों, और आप गाड़ी से उतर भी नहीं सकते हो। अभी चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी है यहां पे, जो पुलिस नहीं है वो शायद वो है फॉरेस्ट गार्ड। यहां लोग अभी बिल्कुल, क्योंकि अभी हाँ रेंजर्स, क्योंकि बारिश में क्या है सारे वाटरफॉल यहाँ के स्टार्ट है। अब देखो एक ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, यहाँ पर कोई नहीं खड़ा है पुलिस वाला।
चाहे तो अपन रोक सकते हैं, एक बार साइट सीन दिखा सकते हैं। चलो अब हम आपको बाहर से दिखाते हैं, देखो कितना अल्टीमेट व्यू है। तो जी ये है रणथंभौर की पार्किंग एरिया, रणथंभौर फोर्ट का, और ये फोर्ट है मेरे पीछे, और ये जो आप देख रहे हैं ये मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये है जोगी महल गेट जोन नंबर वन का। जोन नंबर एक का है ना, ये तीन का और जोन नंबर थ्री। ये पेड़ पे से सूसू कर देते हैं। ये जो है ये मेन गेट है जोगी महल का, यहाँ जाके जोगी महल आता है, वो भी एक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन नॉर्मल टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है वो जगह। आप अपन ऊपर चलेंगे और आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं और रणथंभौर का पूरा रास्ता दिखाते हैं गणेश जी का। तो जी यहाँ पर ऐसे चार पोल है, इसका नाम है नवलखा पोल। दौसा जिले में किधर? लालसोट तहसील। अच्छा, यहाँ से अपन भटक गए थे। हाँ वो हाईवे बहुत जोरदार बन गया, हम भटक गए 40 किलोमीटर आगे चले गए। अच्छा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हेड लाइन, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो। अच्छा, दौड़ा दौड़ा आ रहा और आए थे 3 मिनट करीब 4-5 दिन पहले। हाँ, दौसा आए थे। हाँ, आप तो आते रहते होंगे भैया। हाँ। तो जी ये वो जगह है जहाँ पे हमीर का घोड़ा सीधा यहाँ से और वाह डायरेक्ट चढ़ गया था, इसके खुर के निशान यहाँ पर आज तक है, ये देखो, ये देखिए। अपने घोड़े को लेके डायरेक्ट चढ़ गए थे। यहाँ से व्यू देखिए सर, क्या जबरदस्त व्यू है। और ये यहाँ का सेकंड पोल गणेश पोल। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने में हालत खराब हो जाती है। क्यों जी, आपका क्या विचार है इसके बारे में गुरु जी? बहुत हालत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ और पुरानी है। ये घोड़ा कर लिया पर नहीं, ये नहीं, बहुत सीढ़ियाँ हैं, पुरानी है, इस वजह से स्लिपरी भी है तो चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सफाई वफाई बढ़िया इंतजाम है। और ये आ गया थर्ड पोल, राइट, पोल मींस गेट, इसका नाम है अंधेरी पोल। और एक कहानी है यहाँ तो बताता हूँ आपको, यहाँ पे दो गेट है, एक ये है और एक वो आगे वाला है, और राइट में टर्न है। तो जब दुश्मनी की जब फौज आती थी उनको ये तो दिखता नहीं था, वो सीधी की सीधी चली जाती थी, उधर खाई में जाके गिर जाती थी। और अब इस गेट के पीछे जो दिख रही है वो है हमीर की 32 खंभों की छतरी। ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन में बनाया हुआ है इन्होंने, इसमें 32 पिलर दिए हुए हैं और एकदम यूनिक डिज़ाइन है। और इस छतरी की खास बात ये है कि इसके जो स्टेयर्स हैं
इसके नीचे से शिवजी का एक छोटा सा मंदिर है जिसमें बहुत बड़ा शिवलिंग है। मैं आपको अब वो शिवलिंग दिखाता हूँ। ये इसका एक गुप्त रास्ता है, बिल्कुल स्टेयर्स के नीचे की तरफ जाके, और बहुत बड़ा शिवलिंग, बहुत खूबसूरत शिवलिंग है। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो शिवजी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। और अभी वीडियो में ज़रूर बने रहिए, अभी आपको रणथंभौर गणेश जी के दर्शन कराना बाकी है। और ये यहाँ का एक म्यूजियम है, क्या गाइस? गाइस हेलो गाइस, हेलो सर, हम पहली बार आए इनके ब्लॉग में, मिस्टर आकाश सोनी। पैसे देके लेकर आए मुझे, हमें पता नहीं था ये एक दिन का पेमेंट किया है। ये हमारे पे कैमरा तान के खड़े रहेंगे हमेशा। ये देखिए सर, ये तो तालाब है, ये हमको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हमीर का जो किला है ना, पूरा तालाब बिल्कुल लबालब नहाने से लबालब हो जाता था, मैल से भर जाता था। फिर इसमें पारस पत्थर डाल दिया ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। पारस पत्थर से इसको साफ किया गया था। मतलब आप ये देखिए, मास्क भी बांध दिया। किसी की वैसे फीलिंग से अपन कोई कमेंट नहीं कर सकते, सबकी भावना है, लेकिन मास्क बांधने का क्या लॉजिक है ये नहीं समझ में आया। और यहाँ पे मिलते हैं शानदार पोहे और कढ़ी कचौरी, हम आके खाएंगे। और इसमें हमारा जो रीत चली आ रही है इतने सालों से कि भोजन करने की, तो हम आज आपको फिर से कचौरी या समोसे खिला के दिखाएंगे। वो देखो मंदिर दिखने लग गया। हम फूड ब्लॉग ऐड करेंगे, फूड ब्लॉग ऐड करेंगे हम। और ये मंदिर दिख गया। क्या बोले आपको, जैसा कि पता है कि मिस्टर आकाश खाने के बहुत शौकीन है, तो फूड ब्लॉग तो होगा ही होगा। ये आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, ये कचौरी का पूरा वीडियो बनाएंगे। नहीं सर, इसी में दिखाएंगे हम। आज कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने वाले, 10 मिनट का एक वीडियो होगा। और ये है हनुमान जी का मंदिर, ये अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर, चिंतापूर्ण हनुमान जी का मंदिर। अच्छा, चिंतापूर्ण हनुमान जी। गणेश जी के दर्शन कर ही लिए आपने, देखा कितना खूबसूरत मंदिर है। अब यहाँ पर एक और बहुत अच्छा सा रिवाज है, यहाँ पे बंदरों को
चने खिलाते हैं। और आप ये देखो, इधर आ जाओ ना भैया, पूछ दब जाए गई। बहुत बढ़िया, ऊपर चढ़ गया। कुछ अल्पाहार कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कचौरी, समोसे, मिर्ची बड़ा, लड्डू, कोल्ड ड्रिंक, पानी, सब तरह की चीज़ें मिलेगी। और अभी अपन के पास चलते हैं। भैया मिर्ची गरम है क्या? मिर्ची गरम है ना? और कचौरी भी? अच्छा, बढ़िया बढ़िया। थोड़ा मसा खिलाना, चटनी सब्जी, कढ़ी कढ़ी, कचौरी कितनी? बैठो भैया बैठो, चाय क्या खिलाऊँ? कचौरी गरम गरम तो नहीं यार। आइए आप, आपको दिखाते हैं मिर्ची बड़े की। मिर्ची बड़े की टेस्टिंग हो जाए, एक तो चलेगा, एक तो चलेगा। इतनी ऊंचाई के हिसाब से ठीक है, स्पाइसी बहुत है, बेसन थोड़ा सा मोटा है लेकिन टेस्टी है। और पकवान दिख रहे हैं, क्या भैया ये कचौरी है? और एक एक प्लेट तो ऐसा करो, पोहा दे दो। कितने का पोहा? 20 रुपए प्लेट। हाँ, और चार चाय दे दो। अब हम पोहे के साथ अपने वीडियो की समाप्ति करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो हमारा आज का, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसी से हमारी मोटिवेशन मिलती रहती है। और हम इस तरह से फिर मिलेंगे खाना, हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ खाना पीना, फिर मिलना फिरना जल्द, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। ओके, बाय बाय। जियो जिंदगी, जियो जिंदगी।